गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम स्टैंडर्ड 8 में मैथ्स सीखेंगे। मैथ्स में हमने लास्ट 1.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप आप सबको समझ में आ गई है। और अगर नहीं समझ में आ रही या कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। आज हम 1.1 के बाद का जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स वो सीखने वाले हैं। ओके, आज वो टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? वी शैल स्टडी अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर एंड ऑल्सो स्टडी देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। इन सारे ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? नंबर का जो ऑपरेशंस मतलब उसका जो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको हम बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। मीन्स हम ये सारी चीज़ें तो बेसिक करते ही है। ओके, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन कैसे करते हैं? इफ़ टू रेशनल नंबर्स आर टू बी एडेड, वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर कोई भी नंबर माइनस मीन्स नेगेटिव में दिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव में लिखेंगे, मीन्स उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। देर आर टू पॉसिबिलिटीज, उसकी दो चीज़ें हो सकती है। आइदर दे हैव सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे का नंबर, नीचे जो नंबर लिखते हैं, एक नंबर ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3, और एक नंबर नीचे लिखते हैं। जो नंबर नीचे लिखते हैं उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आइदर दे हैव सेम डिनोमिनेटर मीन्स जो भी दो नंबर हमें प्लस करने हैं, दोनों नंबर में नीचे का नंबर या तो सेम हो सकता है, और दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, या वो सेम नहीं भी हो सकता, अलग अलग भी हो सकता है दोनों नंबर जिसको प्लस करना है। तो उसके आगे क्या है कि रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, जो पहला पॉइंट था कि अगर दोनों के नीचे वाला नंबर जो है वो सेम है, तो इन दिस केस वी एड द न्यूमरल्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विदाउट चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स। मीन्स इसे हमें अगर प्लस करना है दोनों नंबर को, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। द रेशनल नंबर सो ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर। इसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा सही आंसर होगा जो हमें चाहिए था। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, 8 6 upon 17 एंड 11 upon -17 मीन्स दोनों के नीचे 17 ही है। ओके, भले ही यहाँ पे -17 है पर है तो वो 17 ही। ओके, तो इसको कैसे प्लस करेंगे? तो देखो बच्चों, पहले हमें क्या करना होगा कि जो माइनस वाला नंबर है उसे प्लस बनाना पड़ेगा। तो उसे प्लस में कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे कि ये जो नंबर है उसको दोनों साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 multiply by -1। क्यों 1 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 17 का हमें 17 ही रहने देना है, क्योंकि 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ही वो 17 रहेगा। अगर 2 या 3 या 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसकी साइन चेंज करने के लिए, इसको प्लस में बनाने के लिए मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या करेंगे, 11 1 क्या होगा 11 एंड 17 1 क्या होगा 17। अभी साइन देखनी है। ओके, प्लस माइनस माइनस 11, ऊपर का नंबर अगर माइनस होगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का नंबर माइनस हो सकता है, पर नंबर जो नीचे लिखा हुआ है वो माइनस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे का नंबर प्लस होना चाहिए, तो अगर वो माइनस है तो हमें ऐसे करना है कंपलसरी। ओके, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस वाला नंबर। अभी किन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 6 upon 17 plus -11। अभी ये 11 नहीं रहा क्योंकि हमने इसकी साइन चेंज कर दी है, -11 upon 17। तो इसको कैसे प्लस करेंगे, 6 plus -11 upon 17 एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे दोनों के नीचे 17 था, यहाँ पे अगर उसको प्लस करना है तो 17 सिर्फ दोनों के बीच में एक ही बार लिखना है,
ओके अभी 6 माइनस 11 मीन्स 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5। पर ये 5 कैसा होगा, बड़े नंबर की साइन होगी तो 11 बड़ा है, 11 के आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो 5 कैसा होगा माइनस अपॉन 17। तो ये हमारा आंसर है। क्या करना है बच्चों, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए इसलिए दोनों साइड माइनस 1 मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का नंबर अगर माइनस हो जाएगा तो चलेगा। ओके अभी जो दोनों नंबर दिए गए हैं उसको प्लस करना है, नीचे सिर्फ एक ही बार नंबर लिखना है, दोनों नंबर का या तो प्लस या तो माइनस करना है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर दोनों के नीचे अलग अलग नंबर है तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस वी फाइंड LCM। LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, गिवन डिनोमिनेटर रेशनल नंबर्स टू ए कॉमन डिनोमिनेटर इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। और इसका जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो दोनों के नीचे सेम ही नंबर है, तो ये सेम नंबर, ओके ये दोनों के नीचे सेम नंबर है तो यहाँ पे ये दोनों नंबर का हम करेंगे प्लस। 49 प्लस 9 क्या होता है 23। साइन बड़े नंबर की मीन्स माइनस 23 डिवाइडेड बाय माइनस 21 विच इज अवर रिक्वायर आंसर। ओके यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे, देखो एड 2/3। ओके ये इसका आंसर था, सॉरी यहाँ पे से हमें स्टार्ट करना है, एड 2/-3 एंड 3/-7। देखो दोनों के नीचे अलग अलग नंबर है, 3 है एक और एक 7 है, यहाँ दोनों के नीचे अलग अलग नंबर है। इसके ऊपर वाला जब हमने एग्जाम्पल देखा था तो दोनों के नीचे 17 था तो हमने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पे देखो मैं आपको सिखाती हूँ बच्चों क्या करना है, पहले तो नीचे माइनस वाला नंबर है तो इसे प्लस में हमें चाहिए, तो देखो यहाँ पे 2/3 को क्या करेंगे माइनस 1 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे वाला नंबर माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 2 3 1 3 और यहाँ पे भी सेम करेंगे 3/-7 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 3 1 3 7 1 7। तो अभी दोनों के नीचे प्लस वाला नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। LCM कैसे लेते हैं, तो जो दोनों नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन, और आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखो 3 यहाँ पे लिखो 7। अभी 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 3 3 के टेबल में 7 नहीं आता इसलिए मैं 7 ऐसे ही लिख लेती हूँ। फिर यहाँ पे 7 तो 7 1 7 दोनों के नीचे 1 आ जाता है तो यहाँ पे जो नंबर है उसका हम करते हैं मल्टीप्लाई। 7 3 सा क्या होता है 21। तो यहाँ पे हम नीचे कौन सा नंबर लेंगे 21। तो यहाँ पे अगर हमें 21 लेना है दोनों के नीचे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर हमें 21 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 के टेबल में 21 कब आता है 3 सा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है बच्चों, ये याद रखना है, अगर नीचे नंबर चेंज करना है तो ऊपर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके तो देखो ये होता है 2 7 14 मीन्स -14 3 7 21। यहाँ पे होता है 3 3 9 मीन्स -9 और 7 3 21। अब हम इन दोनों नंबर का प्लस करेंगे, तो ये तो मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों नंबर का प्लस करेंगे तो ये दोनों नंबर का प्लस है -23 डिवाइडेड बाय 21। ओके तो ये अगर डिफरेंट होता है तो हमें ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है, LCM भी लेना पड़ता है। ओके और अगर सेम होता है तो कुछ भी नहीं करना होता, सीधे हम प्लस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज मीन्स उसके कुछ रूल्स है. इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर मीन्स उसके रूल्स के बारे में हम सीखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स. यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर मीन्स कोई भी दो रेशनल नंबर का हम सम मीन्स प्लस करते हैं तो आंसर भी हमें रेशनल नंबर में ही मिलता है. रेशनल नंबर मीन्स ऊपर नीचे लिखा हुआ. ओके, इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर्स देन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर मीन्स दोनों नंबर अगर ऊपर नीचे लिखे हुए हैं तो उसका आंसर भी हमें वैसे ही मिलेगा ऊपर नीचे लिखा हुआ. ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल लेट 1/2 एंड 3/4 बी टू एडिशन रेशनल नंबर. तो इन दोनों नंबर का अगर हमें प्लस करना है 1/2 प्लस 3/4, देखो दोनों के नीचे अलग अलग नंबर है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऐसे लेते हैं, मैंने आपको दिखाया था. तो 2 1 2, 2 2 4, अगेन लेंगे 2, यहाँ पे 1 का 1, 2 1 2, नीचे 1 आ जाता है तब ये कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे जो दो नंबर है उसका हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन. 2 2 4 मीन्स नीचे कौन सा नंबर चाहिए, 4, तो यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे नहीं है तो हमें पहले यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे 4 कैसे आएगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा. 2 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. तो अगर यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, ऊपर नीचे दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. 1 2 2, 2 2 4 प्लस 3/4, ये हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे. ओके, तो यहाँ इन दोनों नंबर का प्लस कैसे करेंगे, 2 प्लस 3, नीचे 4 सिर्फ एक ही बार लिखेंगे. 2 प्लस 3 मीन्स 5, 5/4, देखो यहाँ पे है 5/4. ओके, नीचे का नंबर चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर जो नंबर है उससे ही प्लस करना है. ओके, नीचे का नंबर 4 है तो 4 ही रहेगा, हम 4 प्लस 4 8 नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव मीन्स कोई भी नंबर का एडिशन अगर उसे प्लस कर दोनों नंबर को इसे उल्टा भी कर दे तो भी उसका आंसर वही होगा. इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू रेशनल नंबर देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स मीन्स अगर 3 प्लस 4 करेंगे तो भी 7 होगा या 4 प्लस 3 करेंगे तो भी 7 होगा क्योंकि दोनों नंबर तो एक ही है, हमने 3 लिया और 4 लिया. ओके, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2. इफ -1/2 एंड 2/3 आर टू रेशनल नंबर देन वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, पहले ये दो नंबर का प्लस करेंगे. तो दोनों के नीचे अलग अलग नंबर है, देखो एक है -1/2 और एक है 2/3. तो दोनों के नीचे अलग अलग नंबर है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे. तो यहाँ पे लिखूंगी 2 2 और 3. ओके, तो 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 2, 3 के 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 का मैं 3 ही रहने दूंगी. अभी 3 का टेबल 3 1 3, तो 3 2 क्या हुआ, 6. तो दोनों के नीचे कौन सा नंबर चाहिए, 6. तो यहाँ पे 6 ले आने के लिए क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे अगर 6 चाहिए तो क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे जो नंबर मल्टीप्लाई किया है वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. 1 3 3 बट -3 प्लस 2 2 4 6.
अभी एक साइन माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो हमें क्या करना है माइनस, तो फोर में से थ्री माइनस करते हैं तो क्या होता है वन, नीचे आएगा सिक्स, तो ये हमारा आंसर है वन अपॉन सिक्स। ओके, और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो हमें दो बार इसका प्लस करना पड़ेगा। एक बार क्या किया था कि हमने ये पहले लिया था और ये बाद में लिया था, अब दूसरी बार क्या किया, ये हमने पहले लिया और ये बाद में लिया है, तो भी हमारा आंसर सेम ही होगा। देखो यहाँ पे भी एलसीएम लिया है, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, वन थ्री ज़ा थ्री, फोर में से थ्री माइनस करते हैं तो क्या होता है वन, तो ये इसका भी आंसर है वन बाय सिक्स। तो दोनों को अगर मैंने आपको जैसे बोला कि थ्री प्लस फोर करेंगे या फोर प्लस थ्री करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। यहाँ से ऊपर, ओके, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीन नंबर है तो क्या करेंगे, कैसे इसका प्लस करेंगे, तो पहले दो नंबर का प्लस करेंगे जो ब्रैकेट में दिया गया है, बाद में उसके दूसरे नंबर का प्लस करेंगे। तो पहले ये दोनों नंबर का हम प्लस करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो हम क्या करते, ये दोनों नंबर का प्लस करते और लास्ट में ये नंबर का प्लस करते, पर यहाँ पे ब्रैकेट है इसीलिए पहले ये दोनों नंबर का प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, थ्री में से फोर माइनस करना है, नीचे क्या है फाइव, अभी थ्री में से फोर माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा वन, पर वो वन कैसा होगा, माइनस वन, क्योंकि थ्री में से फोर माइनस नहीं हो सकता, ओके, फोर में से थ्री माइनस हो सकता है इसलिए यहाँ पे है माइनस और नीचे क्या है फाइव, आगे कौन सा नंबर है वन अपॉन टू, अभी देखो एक जगह पे टू है और एक जगह पे फाइव है, तो फिर से एलसीएम लेंगे, टू एंड फाइव, टू वन ज़ा टू, यहाँ पे लेंगे फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा क्या होता है टेन, तो दोनों के नीचे कौन सा नंबर चाहिए टेन, तो टू के नीचे अगर टेन चाहिए तो हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव, टू फाइव ज़ा टेन, तो ऊपर भी हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव वन ज़ा फाइव, इसके नीचे अगर टेन चाहिए तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू से, फाइव टू ज़ा टेन, वन टू ज़ा टू, सो फाइव में से टू अगर माइनस करेंगे तो आंसर होगा थ्री, नीचे लेंगे टेन। ओके, अब देखेंगे एग्जाम्पल थ्री, सिंप्लीफाई, टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई इलेवन प्लस माइनस वन बाई थ्री प्लस माइनस थ्री बाई इलेवन, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले दो दो नंबर का हम ग्रुप बना लेंगे और जो दो दो नंबर है वो हम सॉल्व करेंगे, कौन से दो नंबर का ग्रुप बनाएंगे जिसके नीचे सेम नंबर हो, तो यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे थ्री है, तो ये दो नंबर का हम ग्रुप बना लेंगे। देखो एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हमने, टू बाई थ्री प्लस माइनस वन बाय थ्री, बीच में कौन सी साइन है प्लस, यहाँ पे हमने लिया फाइव बाई इलेवन प्लस माइनस थ्री बाय इलेवन, पहले इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, टू माइनस वन अपॉन थ्री, प्लस माइनस माइनस, फाइव माइनस थ्री अपॉन इलेवन, तो यहाँ पे वन, टू माइनस वन मीन्स वन बाई थ्री, फाइव माइनस थ्री कितना होता है टू, तो टू बाय इलेवन, तो यहाँ पे दोनों के नीचे अलग अलग नंबर है तो अगेन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या करेंगे, इलेवन और थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, इलेवन वन ज़ा इलेवन, इलेवन थ्री ज़ा थर्टी थ्री, दोनों के नीचे हमें कौन सा नंबर लेना है थर्टी थ्री, तो यहाँ अगर हमें 33 चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें अगर 33 चाहिए तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले नंबर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 111 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, प्लस 2 3 ज़ा 6, 11 थ्री ज़ा 33, अब ये जो ऊपर वाले दो नंबर है इसका हम करेंगे प्लस, 11 प्लस 6 मीन्स 17,
एन 33। ओके तो बच्चों ये था अपने यहाँ पे जो दो प्रॉपर्टी आज सीखी है। पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकेंड प्रॉपर्टी हमने सीखी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी को आपको एक बार लिखना है होमवर्क में और उसका जो एक एक एग्जाम्पल दिया गया है उसको भी लिखना है। ओके और कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।